जैसे कि हम प्रीवियस कुछ वीडियोस में मेटा टैग्स को ही स्टडी करते आ रहे हैं, मेटा टैग्स की डिफरेंट ऑप्शंस को जो है हमने स्टडी किया, इस वीडियो में भी हम मेटा टैग्स पेज रिफ्रेशिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली द मेटा टैग कैन आल्सो बी यूज टू रिफ्रेश कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन ब्राउजर विंडो। दिस हैज़ द सेम इफेक्ट एज हिटिंग द ब्राउजर रिफ्रेश बटन। बेसिकली मेटा टैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स ब्राउज़र की विंडो में डिस्प्ले हो रहते हैं उसको रिफ्रेश करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है मेटा टैग्स को। इसका इफ़ेक्ट जो है या इसका फंक्शन सेम एज इट, जैसे कि हम ब्राउज़र के रिफ्रेश का बटन जो होता है उसको हिट करते हैं और जो कंटेंट्स होते हैं ब्राउज़र विंडोज़ के अंदर वो रिफ्रेश होते हैं, तो सेम इसी तरह मेटा टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मेटा टैग कैन आल्सो बी यूज टू फोर्स द ब्राउज़र टू लोड एन अदर डॉक्यूमेंट दैट मीन अलाउज अ पेज टू बी ऑटोमेटिकली लोडेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लाइंट पुल। तो इसी तरह जो है मेटा टैग्स को हम यूज़ किया जा सकता है कि ब्राउज़र की विंडो के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को लोड किया जाए, यानी कि आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली जो है वो एक दूसरा पेज जो है वो लोड हो जाए, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्लाइंट पुल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन बिल्ड एन एंट्री पेज और स्प्लैश पेज दैट वेलकम्स अ विजिटर टू अ साइट एंड देन ऑटोमेटिकली फॉलोज विद द सेकेंड पेज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि आपकी वेबसाइट्स या वेब जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर एक वेलकम का पेज है या स्प्लैश पेज कह सकते हैं या एंट्री का पेज जो है जो कि विजिटर्स को वेलकम कह रहा है, इस वेलकम पेज को डिस्प्ले होने के बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक सेकंड्स ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो है आफ्टर दैट एक ऑटोमेटिकली दूसरा पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो बेसिकली हम मेटा टैग्स को इस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन द हेड सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इंटर अ न्यू मेटा टैग्स एट द http-equivalent attribute एंड सेट इट इक्वल टू रिफ्रेश। फॉर एग्जाम्पल मेटा http-equivalent इज इक्वल टू रिफ्रेश। तो हम बेसिकली हेड सेक्शन डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में मेटा का टैग यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस बहुत सी एग्जांपल्स के अंदर मेटा टैग को यूज़ कर चुके हैं। अब इस दफ़ा जो है हम मेटा के टैग के अंदर जो है वो http-equivalent एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रीवियस हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते आए हैं, बट दैट टाइम रिफ्रेश पेज रिफ्रेशिंग के लिए जो है हम http-equivalent एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को जो है वो रिफ्रेश सेट करेंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे सामने जो है वो विजिबल है, डिस्प्ले हो रहा है। देन ऐड द कंटेंट एट्रीब्यूट टू दिस टैग एंड सेट इट इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकंड आफ्टर विच द पेज इज टू बी रिफ्रेश्ड। फॉर एग्जांपल http-equivalent इज इक्वल टू रिफ्रेश, कंटेंट इज इक्वल टू 5। तो http-equivalent एट्रीब्यूट को ऐड करने के बाद हम कंटेंट का एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करेंगे मेटा टैग के अंदर, और इसकी वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ सेकंड जो है वो हम सेट करेंगे, ताकि उस नंबर ऑफ सेकंड्स के बाद जो है पेज जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। जस्ट लाइक इस एग्जांपल में हमें नज़र आ रहा है कि कंटेंट के जो है हमने जो वैल्यू सेट की है दैट इज़ 5, इट्स मीन आफ्टर द 5 सेकंड पेज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। टू मेक द ब्राउज़र टू लोड एन अदर डॉक्यूमेंट आफ्टर रिफ्रेश टाइम प्लेस अ सेमी कॉलन आफ्टर द रिफ्रेश टाइम एंड इंटर अ URL पाथ where the URL of the document to be loaded. For example, यहाँ पे हमारे पास http-equivalent हमने refresh set किया और content के अंदर हमने 5 के बाद semicolon को place किया और URL जो है वो keyword है, उसके बाद हमने उस page का नाम जो है वो specify किया जिसको load हो रहा है, यानी कि browser की window जो है browser का document load होने के बाद after स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिफ्रेश होने के बाद आपने एक पाथ स्पेसिफाई किया है, URL पाथ स्पेसिफाई किया है, दैट स्पेसिफिक टाइम उस स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल में है आफ्टर 5 मिलीसेकंड के बाद जो है ये सेकंड पेज डॉट html एक पेज है
ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र की विंडो के अंदर लोड हो जाएगा। तो हम जो है मेटा टैग HTTP इक्विवेलेंट को जो है वो एक दूसरे पेज को लोड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसमें देखेंगे भी कि किस तरह एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है दूसरा पेज जो है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। हमारे पास ये एग्जांपल्स है जिसमें हमारे पास जो है मेटा टैग्स यूज़ हुए हैं। मोस्टली ये प्रीवियस वीडियोज़ में हम तमाम के तमाम मेटा टैग्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो इस टॉपिक इस वीडियो में जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये HTTP इक्विवेलेंट और इसकी वैल्यू हमने रिफ्रेश सेट की है और कंटेंट जो है 5 और URL इज़ ए कीवर्ड और उसके बाद हमने वो फाइल स्पेसिफाई किया या वो वेब पेज स्पेसिफाई किया है जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो लोड हो जाएगा ब्राउज़र की विंडो के अंदर आफ्टर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने पेज रिफ्रेशिंग के मेथड को स्टडी किया, यानी कि HTTP इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए मेटा टैग के अंदर हम किसी भी पेज को जो है वो वेब पेज को जो है रिफ्रेश कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली एक दूसरे पेज को लोड भी किया जा सकता है। जी, अभी हमने जैसे कि देखा कि पेज रिफ्रेशिंग जो है मेटा टैग्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है HTTP इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट को यूज़ किया जाता है और ऑटोमेटिकली एक दूसरा पेज जो है वो लोड किया जाए। ये हमारे पास एक वेब पेज है जिसको हम वेलकम पेज भी कह सकते हैं। इस पर हमारे पास ये कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब ये पेज डिस्प्ले हो, इस पेज के डिस्प्ले होने के बाद जो है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक दूसरा पेज जो है वो मैं लोड करवाना चाहता हूँ इस ब्राउज़र विंडो के अंदर ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। तो यहाँ पे हम जो है मेटा टैग को यूज़ करेंगे। ये हेड सेक्शन के अंदर हम मेटा टैग को यूज़ कर रहे हैं HTTP इक्विवेलेंट इक्वल टू रिफ्रेश हमने स्पेसिफाई किया कंटेंट के अंदर जी हम मिली जो है सेकंड स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद URL और वो फाइल जिसको हम लोड करवाना चाहते हैं उसका नाम हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सपोज ये फाइल है मेरे पास जिसको मैं लोड करवाना चाहता हूँ। आफ्टर 5 सेकेंड उसके बाद ये वाला जो फाइल है index.html दैट विल लोड ऑटोमेटिकली। तो ये इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो इस पेज को लोड होने के बाद 5 सेकंड के बाद जो है index.html फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली इस ब्राउज़र की विंडो में जो है वो लोड होगा या डिस्प्ले हो जाएगा पेज। लेट्स सी, रिफ्रेश मैंने किया, आपके पेज डिस्प्ले आफ्टर 5 सेकंड के बाद जो है ये देखिएगा index.html फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली लोड होगी इस ब्राउज़र की विंडो में बिकॉज ऑफ ड्यू टू ये जो लाइन हमने मेटा टैग्स की ऐड की थी जिसमें हमने जो है पेज रिफ्रेश के मेथड को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली हमने इंस्ट्रक्शन दी कि 5 सेकंड के बाद जो है index.html फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली इस ब्राउज़र की विंडो में लोड हो जाए। तो बेसिकली जब आप लोड करते हैं तो ये वाला पेज जो है वो लोड होता है, इसके कंटेंट लोड होते हैं, बट आफ्टर 5 सेकंड के बाद index.html फाइल जो है वो इस ब्राउज़र की विंडो में लोड हो जाती है।